और पानी काफी नुकसान कर रहा है। मैं पहुंच रहा हूं और पहुंच के आपको मौके पे दिखाता हूं कि क्या हालात हैं और कितना नुकसान हो चुका है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरे व्यूअर्स, बात दरअसल ये है कि दरिया पर तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इशू ये हुआ है कि जो बंद टूटा है ना, बंद टूटा है दरिया की उस साइड पे, नहीं कि दरिया के पार वाले इलाके में। लेकिन इधर क्योंकि दरिया का चुड़ाई काफ़ी भी ज़्यादा है तो क्रॉसिंग का इशू होता है। पहले उस साइड पे गए थे, वहाँ पे किस्ती नहीं मिली, तो अब इस साइड पे हैं। ये देखें, काम शुरू हो चुका है। मुझे लग रहा है अभी भी आधे घंटे का प्रोसेस है दरिया के पार पहुँचने का, और पार पहुँच के आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी फाइनली किस्ती पे सवार हो चुके हैं, अब दुआ करें कि जल्दी से स्टार्ट हो चुके हैं। उतर तो चुके हैं, जैसे बाइक उतरी, बाइक उतरने के बाद फौरन पहुंच रहे, आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये देखें, इस दरिया को बाय बाय करके वहां पर पहुंच रहे जहां पर हमने पहुंच गए। अरे यार गाइस, ये देखें, आप कहेंगे कि यार इतनी खूबसूरती, ये दरिया रहा और ये देखें, ये रास्ते पे पानी भी आ चुका है। और ये न्यू शॉर्टकट, ब्रेक 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 ब्रेक। जी व्यूअर्स, मैं पहुंच चुका हूँ। अब ये अपने मेरी हालत कंडीशन पे डिपेंड नहीं करना, अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है। हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन देर है मगर दुरुस्त है, आपको दिखाता हूँ। काम अभी जारी है। और ये देखें आप, इतना ज़्यादा लुढ़ा था। और ये देखें, लोग इधर कोशिश कर रहे हैं इसको बंद करने की, लेकिन अभी तक बंद नहीं हो रहा, क्योंकि ये नहर नाला तो है नहीं, दरिया है सतलुज। ये देखें जितनी ऑडियंस पे मेहनत कर रही है इसको रोक रही है, और अगर मैं थोड़ा आगे हो जाऊँ, और ये एक्सीवेटर काम कर रही है, अगर थोड़ी बड़ी एक्सीवेटर होती बड़े वाली तो बहुत मुझे लगता है बंद कर चुकी थी, इससे कोई काम खास मज़ा आ नहीं रहा। ये ले जी, लेकिन हालात ये बता रहे हैं, मुझे लगता है कि इस एक्सीवेटर का काम है नहीं, कि बढ़िया है कि तो काम होगा, अदरवाइज मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। मैं दुआ करें अल्लाह बेहतरी करे। मान लीजिए मैं दरिया क्रॉस करके इस साइड पे आया हूँ, मैंने कहा इस साइड से ज़्यादा लेते हैं कि साइड से क्या सिचुएशन है। अब मसला ये है कि वो साइड से चलो ठीक है कि एक्सीवेटर उसको बंद कर रहा है, ये देखिए इशू
चल रहा है इस साइड का, यहाँ से देखना पानी का फ्लो कितना तेजी से है। लो जी फाइनली ये है कि आवाम अपनी हिम्मत हार चुकी है, अब खुदा पे भरोसा है कि अल्लाह ताला क्या करता है। आवाम ये सच्ची है, उनको पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन मसला उनका हल नहीं हो रहा था। अब देखते हैं क्या बनता है, ये देखें। ओह हो, ये देखें। अब इस साइड वाले लोग क्रॉसिंग करके उस साइड पे जा रहे हैं ताकि पानी ज़्यादा पड़ने से पहले निकल जाए। अब बात पता है खतरनाक बात क्या है कि मैं उस साइड और साइड लॉज को अपने वाले साइड पे कैसे खुद भी खा रहा हूं। और ये देखो जी इन बच्चों का खून आ नहीं रहा, वो खुद पानी लोड़ रहे हैं। देखते क्या बनती है। ये चीज़ क्या लोग ये दरिया का इंतजार करेंगे, जबरदस्त। ये चीज़ है, पता कह रहा है कि कल करे सो आज के रात करे सो अभी करके छोटे दरिया में ठहर ही जाना था, हम खुद ठहराते हैं ट्रैक कर रहे हैं कोशिश जा रही है। देखिए अभी इनको टाइम था इसको कंट्रोल करने का। अब ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता इस एरिया में जाने की कोशिश कर रहा है पानी। और इसको भी इधर असद लोग की जो मेन खासियत है शायद आप लोग जानते होंगे कि ये ना ज़मीन काटता बहुत ज़्यादा, तो अभी ये यहाँ पे शुरू हो चुका है दरिया, अब इसको काट रहा है। थोड़ी देर बाद ये सारा एरिया कवर हो जाएगा पानी से। ये देखें ये जा रहा है पानी, ये देखें। गाइस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पानी का फ्लो कितनी हद तक तेज़ हो चुका है, और मैं कह रहा हूँ जैसे आपको 30 मिनट बताया ना, 30 मिनटों में काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ये देखिए आप, ये देखिए, ये दिखा रहा हूँ पूरा दरिया के एरिया। लो जी ये बंदा कोशिश कर रहा है कि इस बूटे को चेक करने की, ये गिरता ही नहीं। नहीं नहीं बहुत मजबूत है, ये नहीं गिरेगा। देर है साजी, देर है वालों बार। मुझे एक मशहूर मरूफ कहावत आपने सुन रखी होगी कि अब आपके हवाले वतन का पियो, तो ऐसे कहना चाहूँगा कि अब ये दरिया, ये बंद, ये पानी रब के हवाले, अल्लाह बेहतरी करे कि खैर ही हो। बरल जो हालात नज़र आ रहे हैं कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, और कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होता है। तो फिलहाल हम अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, और मज़ीद अगर हमारे पास की मालूम आता है कि वीडियो आते आपको दिखाते रहेंगे, और यहीं पे करेंगे हम अपने आज वीडियो। अस्सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। ये देखें जी ये एरिया लेके जा रहा है पानी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, जैसे जैसे वहाँ से टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये नुकसान भी बढ़ता जाएगा। ये देखिए इस ट्रैक पर जा रहा है।